तो विनेश ने कॉमनवेल्थ गेम्स में हैट्रिक लगाई है और रेसलिंग के पहले भी हमारी बात हो रही थी, मुझे मैंने आपको कहा था कि ये बहुत आसान है, लेकिन आपके लिए सफ़र आसान नहीं रहा है, खासकर टोक्यो के बाद। सर मतलब आसान आपको मतलब बाहर से ही लगता होगा, लेकिन हमारे अंदर कितनी कश्मकश चलती है एथलीट के अंदर की, क्योंकि दो मेरे ऑलरेडी हो गए हैं, तीसरा भी चाहिए, अभी प्रेशर भी डेफिनेटली होता है कि अगर इनसे भी हार गए तो फिर ऐसे ही बोलेंगे ना, इनसे भी हार गए तो फिर क्या तुम ओलंपिक्स में क्या जाने वाले। कौन सा दांव लगा दिया, झोली दांव, तो बेचारी मर जाती है वो बचपन से ही, मतलब वही जो फर्स्ट दांव होता है ना वही सिखाते हैं, तो वो बस वही। हाँ जी हाँ जी। तो वो अच्छा, टोक्यो के बाद जो आपका सफर रहा है बहुत बहुत टॉपसी टर्वी रहा है, उसके बाद दो तीन आपने इंटरनेशनल भी, यूक्रेन वाला जीता, एक नहीं सर मैं यूक्रेन नहीं तुर्की में हुआ था और मैं हार गई थी उसमें भी। हाँ तो मैंने 55 में किया था, उसमें भी मैं हार गई थी, मतलब तो एक मोरल बूस्ट, मतलब डाउन तो जाता ही है कि क्या हो रहा है ये सब, तो फिर मैंने कंपटीशन स्टॉप कर दिए, मैं सिर्फ ट्रेनिंग पे फोकस कर रही थी कि जितना मैं ट्रेनिंग कर सकती हूँ कितना मैं, क्योंकि इस साल दो ही कंपटीशन थे मेरे, तो कॉमनवेल्थ गेम्स मेरे को मतलब ये लगा कितना डिफिकल्ट रहा है सफ़र। आपसे एल्बो के सर्जरी की भी बात हुई और मुझे, मैं जितना आपको देखता हूँ मुझे लगता है कि साइकोलॉजिकली आपको और उठने में मेहनत लग रही है। बिल्कुल भाई, हर एक एथलीट का मतलब मेरे ख्याल से सब वही, कोई दिखा देता है कोई नहीं दिखाता है, मतलब लेकिन एक हारने के, एक हार और वो हार भी ओलंपिक्स की हार, मतलब दो बार की हार, एक को तो आप हजम करो, वो दूसरी मतलब पहली नहीं हो रही तो दूसरी कैसे करोगे, तो वो काफ़ी डिफिकल्ट होता है सर मेंटली, लेकिन वही है क्या करें, ऑप्शन क्या है, पीछे हम जा नहीं सकते, आगे जाना पड़ेगा, तो कैसे जाएं आगे। मैंने आपको खुल के हंसते थे वही, मतलब एक जो एक साल से मतलब मैंने भी अपनी फैमिली को देखा इतना स्ट्रगल करते हुए, मतलब वो लोग इतना परेशान रहते हैं मेरे लिए कि सिर्फ, और वही सिर्फ कि रेसलिंग में ऐसा नहीं है कि कॉमनवेल्थ इंपॉर्टेंट नहीं, उनके लिए कॉमनवेल्थ ओलंपिक्स है, उनको पता है कि मैं किस चीज़ से निकली हूँ, कैसे मैंने मेंटली मतलब मैं कितना ब्रेक डाउन हुई हूँ बीच बीच में, उन लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया है, तो मेरे हस्बैंड ने तो बस पूछो हिम्मत कितना किया है, वो बेचारे खुशी से पागल हो रहे हैं आज ही, तो वो एक उनको भी पता है कि मैं कहीं ना कहीं लॉस्ट हो गई हूँ कॉन्फिडेंस के उसमें, मेरा कभी मतलब इतना कॉन्फिडेंस डाउन कभी नहीं गया जो इस ओलंपिक्स के बाद में गया है ना, तो वो एक बूस्ट मिला है मेरे को, और होपफुली मतलब मैं दो साल तक इसको पकड़ के रखूँगी, और जो विश यू ऑल द बेस्ट और पेरिस तक लगे रहो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, लॉस एंजलिस तक लगूँगी सर। थैंक यू।